हमारे साथ कांग्रेस के विनोद चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर ये प्रस्तावित विधेयक कानून बन जाता है और अगर इसमें कोई संशोधन नहीं होता है, जो ड्राफ्ट सामने आया है इसके मुताबिक भारतीय संविधान ये स्वीकार कर लेगा कि दंगों के लिए हमेशा बहुसंख्यक जिम्मेदार होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका इंटरप्रिटेशन। मैं बड़े शालीनता से आपके सामने पूरे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बिल का मसौदा पेश किया गया है उसमें आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में बहुत स्पष्ट कहा था कि यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो है उसके जो दंगे से संबंधित। मुकदमे हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। नंबर टू, राज्य में उत्थान है या भी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी है वो जिम्मेदार। बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण कही गई है कि यहाँ के जो है दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाने चाहिए जिससे निष्पक्ष जांच हो। चौथी चीज जिसको प्रपोज किया है बिल ने कि जो भी इस दंगे में हमारे इविडेंस है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है विरोध मसौदे पेश किए। इस लाइट में हमें ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में डिबेट तो आप नहीं है, ये तो आपके ड्राफ्ट में है, ये आपके ड्राफ्ट में है। आपको तो देखना होगा कि ये अल्पसंख्यक का फिर नहीं है। ये इसका मूल यही है, परिभाषा उसी के आधार पर प्रावधान है, मूल यही है। नहीं, आप समाजशास्त्री भी हो और राजनीतिक में भी हस्तक्षेप रखता हूँ, मैं बता सकता हूँ बिल का मसौदा ये कहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि बहुसंख्यक ही केवल बहुसंख्यक में या अल्पसंख्यक समुदाय में थोड़े ही लोग दंगाई होते हैं। आप बिल्कुल बहुसंख्यक नहीं होते और ना ही बोल रहे आपको बता रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। कहीं भी बिल के मसाद आप हिंदू में कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसमें आप कैसे राष्ट्र में ये किसी बहुसंख्यक को। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात यहाँ पे आप सुन लीजिए फिर उसके बाद बताइए तो ज्यादा उचित होगा। आपकी बात भाजपा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि वे जो देश के बाहर वाले लोग हैं इस बिल में उन्होंने ग्रुप को बोला है कि ग्रुप कौन है। आपको मैं फर्क सुनाता हूँ, माइनॉरिटी ग्रुप में किस तरह से अल्पसंख्यक। अरे पढ़िए सुनिए ना, सेक्शन 3 के सबसेक्शन ई में शुरुआत यहीं से हो रही है। ग्रुप मीन्स रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एनी स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया। ग्रुप के खिलाफ ये एक्ट लाया जा रहा है, ग्रुप के खिलाफ अगर कोई काम होता है कोई बात होती है तो बहुसंख्यक है। अरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी किसको कहते हैं और माइनॉरिटी किसको कहते हैं? आप बेचारा छू हो जाएगा। माइनॉरिटी किसको कहते हैं? माइनॉरिटी तो रिलीजियस माइनॉरिटी की आप लोग बात कर रहे हैं, आपको रिलीजन मालूम है हो सकता है माइनॉरिटी के लिए। आपको रिलीजन मालूम है क्या होता है हिंदी में उसको संप्रदाय कहते हैं? मैं तो रिलीजन पढ़ाते पढ़ाते मेरे 25 साल हो गए। रिलीजियस माइनॉरिटी तो कहेंगे ऐसे समझ के बात करें कि मुझे रिलीजन नहीं पता। फिर आप देश में सबको रिलीजन पता, रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चैनल पे बैठ के एक चैनल पे बैठ के आप डिबेट को स्वस्थ परंपरा में जो सदन में होना चाहिए वैसे ही दिया गया। डिबेट को मत करिए, रिजर्वेशन है कि डिबेट को क्रिमिनलाइज मत करिए। ये मसौदा केवल आज पेश किया गया था प्रधानमंत्री जी ने मोदी की चिट्ठियों का विचार, हम लोग इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। ये तो कंसेंसस बना दे आप लेफ्ट भी कह रहा है। नहीं, हम लोग तो कंसेंसस से ही बिल पास करते हैं। बताए आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि केवल अनुसंधान लिए तो मारने के लिए मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसको हमारे साथ जुड़े।
मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम साहब, दरअसल जो बहुसंख्यक इस्तेमाल किया गया, आपने देखा कि हम पिछले हम बात करें, चाहे हम मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें जो पिछला वाला, चाहे भागलपुर की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, वहां पर जो पहली रिपोर्ट आई थी वो उसमें जांच में बात सामने आई थी कि ये अल्पसंख्यक जिम्मेदार है इसके लिए, इसके लिए। लेकिन दरअसल अगर इस तरह का ये बिल आएगा और ये अगर कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो ये साफ हो जाएगा, पहले ही तय हो जाएगा कि दरअसल कोई भी आदमी जाएगा बहुसंख्यक के खिलाफ मामला दर्ज कराएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये इसमें प्रावधान है। दरअसल में मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जिसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला बोल दिया था 370 जो किया था पूरे देश में वावेला मचा दिया, तो क्या जरूरत है इंतखाबात से कब इस किस्म के बिल पर डिबेट करने की या इसको लाने की। दूसरी चीज, क्या बिलों के जरिए इस मुल्क की सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है? सवाल है कि क्या ये जो इसमें स्पष्ट किया गया है, एक ग्रुप जो डिफाइन किया गया है कि बहुसंख्यक के खिलाफ और वो जिम्मेदार होगा, क्या दंगे के जिम्मेदार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर होते हैं या चंद लोग होते हैं? चंद लोग मुसलमानों में भी हो सकते हैं जो दंगा भड़का सकते हैं, चंद लोग हिंदुओं में भी हो सकते हैं। तो जो दंगाई है उसको डिफाइन करना चाहिए, ना कि हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के नाम पर समाज को डिवाइड करें। इस कांग्रेस की नीति रही है, अंग्रेजों का सत्ता लेने के बाद इसने देश का डिविजन करवाया, पाकिस्तान बनवाया, उसके बाद फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह खौफ दिलाया कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हें आरएसएस और संघ परिवार खा जाएगा, और संघ परिवार के लोगों को कहा कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो ये फिर एक डिवीजन हो जाएगा। इन बातों को खत्म करना चाहिए, दिल के बजाय हिंदुस्तान में दिल रहना चाहिए, जिस दिल की बुनियाद पर एक दूसरे के दिलों में गुंजाइश पैदा हो। प्रेरित है कैसे देख रहे हैं बोलो तायरा जी, तायरा जी बोले इस बिल को लाने के लिए। आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे भी साथी बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर राइट को कैसे देखते हैं जब मुजफ्फरनगर ही नहीं भागलपुर में भी जगह फैलाया, मुल्क में दंगे हुए दंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आजादी से लेकर अब तक के मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, इसको इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी कांग्रेस जब तमाम सेकुलर छोड़े स्कूल से
नहीं, मुझे लगता है कि पहली बात तो मैं कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, उन्हें ये बंटवारे की राजनीति का कुछ आहट लगती है। तो सबसे ज्यादा शर्मनाक पर मुझे हंसी आ रही है कि एक ऐसे नेता ने ये बात पूछी है देश के प्रधानमंत्री से, जो खुद बंटवारे की राजनीति पर आज तक अपनी रोटियां सेकते आए हैं। बहुसंख्यक की बात नहीं है, जरूरी नहीं कि हमेशा बहुसंख्यक इस तरह का राइट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो लेकिन बात आपकी है कि जो करे खंडित किया जाए। सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन पर दायरा भी ड्राफ्ट में जो कहा गया है, जो परिभाषा दी गई है, जो ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि प्रथम दृष्टया ये बहुसंख्यक ही जिम्मेदार होगा, यानी कि बगैर कुछ देखे जांच किए ये मान लिया गया कि दंगों के बहुसंख्यक ही जिम्मेदार होगा। दिक्कत इस बात को लेकर हो रही है, जो विरोध हो रहा है इस बात को लेकर हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें संशोधन में बहुसंख्यक ही जिम्मेदार होगा, इसको मैं जी नहीं नहीं बहुसंख्यक ही जिम्मेदार होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कौन होगा है? हम मुजफ्फर का भी हमने रॉय देखा है या गुजरात 2002 देखा है कि जो वहां पे बहुसंख्यक ही थे। बात यह है कि वो पार्टी सवाल उठा रही है जो तशद्दुद कराती है, जो भड़काती है और भड़काने के बाद इस तरह के रॉय कराती है। पूरा बहुसंख्यक ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग जो उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं वो उसी कम्युनिटी से है, मेजोरिटी कम्युनिटी से है, इसलिए कहा जा रहा है। मेजोरिटी पूरी इस पर बात करेंगे। पायरा जी आप हमारे साथ लगातार बने हुए और विकास कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए, छोटा सा ब्रेक लेंगे और विकास लगभग दोषी मान लिया जाए जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं होगा। यानी कि इसमें ये भी प्रावधान है कि इसने शिकायत की है कोई मतलब नहीं, उसे पूछताछ भी नहीं है, लेकिन जिसके खिलाफ आपने की है उसके खिलाफ गैर जमानत का साथ मान दिया जाएगा, एक तरह से वो दोषी हो जाएगा। देखिए ये बिल सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट के जो लोग हैं उनकी दिमाग की बात, ये भारत सरकार के अधिकारी या मंत्रिपरिषद का बिल नहीं है। उन्होंने ड्राफ्ट करके दिया है और सोनिया गांधी ने सरकार से कहा कि इस बिल को लाइए। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान बनवा दिया, दोनों भाइयों को लड़वा दिया, यही फिर बुनियाद डालना चाहते हैं देश में एक और विभाजन की। इसलिए कांग्रेस आज हताश है, निराश है, उसको लग गया है कि अब न मेरे साथ मुसलमान है ना हरजन, ये दोनों जो वोट बैंक थे वो किसित हैं, इसलिए वो फड़फड़ा रही है। इसलिए ये बिल आए केवल दिखाने के लिए, ये बिल पास नहीं कराएंगे, ये बहस नहीं कराएंगे पार्लियामेंट में, ये बता दें केवल हवा बना रहे हैं। प्रकाश शर्मा जी, ये जो बहुसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इनमें अगर हम बात करें पंजाब, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, मेघालय, नागालैंड, यहाँ तो एक समुदाय जिसे आप बाकी राज्यों में बहुसंख्यक कहते हैं वो वहाँ अल्पसंख्यक है, इसमें इतनी है तो बच गए। ये तो उनकी नियत खराब है ना, लेकिन बहुसंख्यक है उसके खिलाफ ये माना गया ना। जो आप कह रहे हो क्या माइनॉरिटी में उस ग्रुप को डाला गया, क्या वहाँ की सरकारों ने उसको माइनॉरिटी माना है? पहले माइनॉरिटी कह रहे हैं कि वहाँ कम है, क्या माइनॉरिटी की लिस्ट में है वो? अगर वहाँ हिंदू कम है, क्रिश्चियन कम है या कोई भी कम है, क्या वो माइनॉरिटी है वहां पर? डिफाइंड माइनॉरिटी माइनॉरिटी में है लेकिन फिर भी मेजोरिटी में है। माइनॉरिटी में होते भी वो मेजोरिटी में है, और वो अगर वहां पर जो मेजोरिटी में है वो अगर हमला करते हैं या कोई बात करते हैं तो भी माइनॉरिटी सेफ नहीं है, मेजोरिटी ही सेफ। प्रकाश शर्मा जी, हाल के अगर हम यूपी में हुए दंगों की बात करें, जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुई उसका असर अगर ये कानून का रूप लेता तो क्या दिखता है? मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी लोग जो है डिवीजन कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने डिवीजन किया है। आखिर 1905 से 11 तक जब एक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला भंग विभाजन का, तब हिंदू मुसलमान की बात कहीं इतिहास में नहीं दिखाई देती, लेकिन 1920 के बाद से जो आजादी का संग्राम चला उसमें बराबर अपने आप को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए हिंदू मुसलमान का विभाजन किया गया, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चलाई गई उसी तुष्टीकरण की नीति को आज दोबारा चलाया जा रहा है। अभी दंगों की चर्चा ताहिरा जी कर रही थी, 2002 की गुजरात की दंगों की चर्चा होती है,
1969 के चिमन भाई पटेल के शासन काल में जब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस दंगे की चर्चा कभी नहीं होती। अभी मुजफ्फरपुर में बाद के दंगों की चर्चा हो रही है, जौली नहर में 18 ट्रैक्टर बराबर। तो आखिर जब आप पहले से ही ये माने ले रहे हो कि हिंदू ही हमेशा दंगा करता है, तो उसका परिणाम तो बहुसंख्या मतलब हिंदू, आप उसको बहुसंख्या कह रहे हो, मैं उसको हिंदू कह रहा हूँ। सीधे सीधे क्योंकि मैं बहुसंख्या होने का मतलब क्या है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में जब इस देश में चर्चा होती है तो सिर्फ हिंदू की चर्चा होती है, कौन है बहुसंख्या जी। से मैं एक प्रश्न करूंगा, जिन 18 ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो मुझे कि मैं कह रहा हूँ आप इसको इस रूप में क्यों नहीं देखते। दोनों तरफ से हुआ, क्यों नहीं देखते हुआ इंसान। आखिर 2002 में 59 लोग जो ट्रेन से चलाए गए वो ताहिरा जी को क्यों नहीं दिखाई, आज के लोग दिख रहा है, उनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। इसलिए इस प्रकार का विभाजन ये बहुसंख्यक है। अगर बीजेपी BHP और बजरंग दल के लोगों को बुलाकर बैठाकर आप अगर उनसे चर्चा कराएंगे और ये आप सोचेंगे कि वो बहके ना और वो हिंदू और मुसलमान को डिवाइड ना करें, तो ये आपकी भूल है। डिवाइड आप कर रहे हो जी, फिर आप लाए हो, तो वो देश को डिवाइड करना। हम बात करना चाहते हैं सेक्युलर भाई, धैर्य से सुन ले शर्मा जी, मैं भी आपको सुन रहा हूँ। आप अगर बिल पढ़ने नहीं, आप अगर बिल पढ़कर आए होते तो आप उत्तर किस बोलते हैं, आप बिल पढ़कर नहीं आए और इधर उधर की बात कर रहे हो। आपका क्या मतलब है, आपका आप बोलते रहे और दूसरा आदमी चुप रहे, अभी आप भी यही कर रहे थे इससे पहले। आप दूसरे की बात को सुनिए, आप यही कर रहे थे इससे पहले। के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए जाति धर्म और नस्ल के भेदभाव से परे समान रूप से कानूनी संरक्षण की बात कही गई है, फिर इस ड्राफ्ट में अगर ये कहा जाए कि ये बहुसंख्यक जिम्मेदार है, क्या ये संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं है? सीधा सवाल है हमारा। नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं। देखिए पहली चीज तो विकास जी जान लीजिए कि ये ड्राफ्ट है,
कोई आखिरी नियम नहीं है। नहीं तो इसमें प्रावधान गलत है, आप जानते हैं, इसलिए पेश किया जाता है। ड्राफ्ट आपकी मंजूरी बता रहा है, मतलब ये नहीं कि ड्राफ्ट नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट पूर्ण है, ये कह रहे हैं कि मान लिया गया बहुसंख्यक को कुछ बिना समझे सोचे दंगा कराने के लिए दोषी मान लिया। कोई भी आएगा, मामला दर्ज कराएगा, उसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जो अल्पसंख्यक है उससे ये पुलिस सवाल भी नहीं कर सकती है कि आपने किस आधार पर क्यों मामला दर्ज कराया। ये तो ड्राफ्ट में लिखा है, आपके सामने है मेरे पास ड्राफ्ट। हम इस पर सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसा आप पढ़ के मुझे बता रहे हैं तो मेरा मानना है कि इस पे डिबेट हो जाए। मेरा कहना है वही कर रहा है, डिबेट हो जाए, डिबेट होने के बाद जो चले चले पास किया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस बिल हो या कोई भी बिल हो, सरकारें लाती है जो सत्ता में होती है, डिबेट होता है उस पर। मैं आपके सामने एक और प्रश्न रख रहा हूँ, जो कमियां बेशियां वो ये है कि क्या हम लोग भी बाहर से इन्वेस्टिगेशन शेयर करना चाहिए देना, और अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन किसी भी मामले में शेयर करना चाहिए तो ये टॉर्चर वर्ड इस्तेमाल किया। अल्पसंख्यकों से अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई बात पूछता है तो वो पब्लिक सर्वेंट की कुर्सी पर नहीं रहेगा, सवाल भी नहीं कर सकता। ये बतौरी साहब क्या जो मसौदा है इसको लेकर के एक संतुलित रुख तो अपनाना चाहिए था कांग्रेस को, बचाव की मुद्रा में क्यों है? इसलिए कि वो बिल शुरुआत से लेके आखिरी तक गलत है, गलत भावना से प्रेरित है। कहीं भी बिल में न्याय की बात नहीं, ना तो संविधान के अनुच्छेदों का इसमें पालन किया गया, ना जो प्रांतीय अधिकार है प्रदेश सरकार के जो अधिकार है उनके क्षेत्र में ये दखल है। वैसे सरकार केंद्र सरकार हमेशा कहती है कि कानून व्यवस्था का मामला राज्यों का मामला है। आज केंद्र सरकार स्वयं कानून व्यवस्था के बारे में नहीं, रही है। नहीं, सरकार ने कहा है कि हम राज्यों से सलाह मशवरा करेंगे। ये पहले करना चाहिए, ये सलाह मशवरा पहले करना चाहिए, विपक्षी दलों से सलाह मशवरा पहले करना चाहिए। और ये बिल केंद्र सरकार के अधिकारियों को मंत्रिपरिषद को लाना चाहिए था, न कि सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट के लोगों को लाना चाहिए। विनोद चंद्र जी, एक सवाल नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी में लिखा है कि दरअसल चुनाव से पहले टाइमिंग का सवाल आपने कहा, ये बीजेपी के हमारे प्रवक्ता महोदय है पचौरी जी, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या इनके इन्होंने कोई स्पाई लगा रखे है उस किचन कैबिनेट में? ये कहाँ से हुआ? आप ये देखिए कि बसौली पेश होता है तरीके से पेश हुआ। आप नरेंद्र मोदी जी ने पत्र लिखा, आप घटनाक्रम देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पत्र लिखा, पत्र के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ ये बात हम मानते हैं कि हम राज्यों से सलाह मशवरा करेंगे, और आपकी राय को हम माफिक रूप मानते हैं और उसके बाद सलाह मशवरा। तो कौन सी लोकतंत्र में नहीं मानी जाती? आप संसद में कहिए, संसद के बाहर कहिए, पत्र द्वारा कहिए, लेकिन सीधा ऊंचा आरोप न लगाइए। जो हमारे पचौरी जी ये कह रहे हैं किचन कैबिनेट सोनिया जी, ये किस तरह की बातें भाई? हम मोदी जी को देखिए आपके सामने बैठ के, कभी इस तरह की भाषा। अरे पहले मेरी बात से जो अब आपने कहा मुझे जवाब भी तो सुन लीजिए, लेकिन आप सुनने नहीं चाहते क्योंकि आपको जानते नहीं। आपने जो कहा
हमने तो 2011 में ये बिल पढ़ दिया था। ये क्या बोल रहे हैं? ये 2011 में जब सोनिया गांधी जी ने निर्णय दिया था, भाजपा की अध्यक्षा है और लोकसभा की एक सम्मानित सदस्य है। अरे वो सदस्य है, आपको कोई जानकारी है? जानकारी लीजिए, सलाहकार आपको लगता है की जरूरत है? आपको लगता है विनोद जी, मेरी कुछ बात आप सुन लें। देखिए, ड्राफ्ट में कुछ कमी है, इसको आपने भी एक्सेप्ट किया और इस पर चर्चा हो रही है। हमें आपको सबको गंभीरता पूर्वक इन बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि आखिर इस देश के अंदर से, इस देश के अंदर से इस सांप्रदायिकता के, सांप्रदायिकता के दानों को कैसे समाप्त किया जाए। बिल और कानून बिल्कुल बनेंगे, कानून का एक खौफ होता है, लेकिन कानून का, कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ताकतें जाएंगे क्या? आज तक के पूरे देश में 30,000 से ज्यादा दंगे हुए, मुसलमानों के जानी माली नुकसान हुए, मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया गया। और हर समुदाय से मत जुड़िए, हर क्षेत्र मुजफ्फरनगर में भी पीड़ित हुए। नहीं नहीं, आप दोनों उसमें पीड़ित हुए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान पीड़ित हुए। दंगे में मुसलमानों की अगर लोकतंत्र है तो हिंदुओं का भी नुकसान। आपको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में क्या है? यदि आप सामान्य में देखिए, लेकिन सनातन इसके समापन पर कब चर्चा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी घोषित कर रखता है। भारतीय जनता पार्टी के गरीब मुसलमान नहीं जाता है। चलो चलो, मुसलमानों को, मुसलमानों की देना पड़ेगा।